सो नमस्कार दोस्तों, जैसा हमने आपको पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी बता चुके हैं एक वीडियो में कोरोना वायरस के बारे में कि वो क्या है, और ये आजकल जो वुहान चाइना में चल रहा है वो है नोवेल कोरोना वायरस। ये नोवेल कोरोना वायरस एक नया कोरोना वायरस है जिसके अलग थोड़े अलग प्रॉपर्टीज़ है। ये उसी का एक वेरिएट एंड वेरिएशन है। एक मान लीजिए किसी बैक्टीरिया का एक नया वर्जन आपके सामने आए तो फिर वो नया वर्जन ही होगा, राइट? नया मोबाइल का नया एडिशन, नया एडिशन के फीचर्स थोड़े से अलग होते हैं, वैसे ही इस नए नोवेल कोरोना वायरस के फीचर्स अलग है जो समय के साथ हमारे सामने आते जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली ये कोरोना वायरस है, ये कॉमन कोल्ड के वायरस की फैमिली का वायरस है, तो इसीलिए ये छींकने खांसने से फैलता है और लंग्स को खराब करो वहीं जाएगा, वहीं खराब करेगा, वहीं निमोनिया करेगा, वहीं गड़बड़ करेगा, ARDS करेगा, वहीं सांस से ऑक्सीजन और उसमें ऑक्सीजन अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाने में प्रॉब्लम करेगा। सो क्योंकि ये बहुत तेज है इसीलिए बीमारी बहुत जल्दी फैल रही है, और इसीलिए प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं पूरी दुनिया में, चाइना में खासकर, वुहान में, वहां के एयरपोर्ट्स में, सब जगह। तो सवाल उठते हैं सबके मन में कि हम क्या प्रिकॉशंस लें, क्या प्रिकॉशंस लेना है, क्योंकि फिलहाल इस चीज के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। अभी अभी आया स्ट्रेन है, अभी स्ट्रेन के खिलाफ वैक्सीन बनाने को कुछ वक्त लगेगा। इसीलिए बेस्ट वे टू प्रिवेंट इज टू अवॉइड एक्सपोजर। कोल्ड, कॉमन कोल्ड के वायरस से जिस तरह एक्सपोजर से बचते हैं, बिल्कुल वैसे आपको इस नोवेल कोरोना वायरस के एक्सपोजर से बचने की कोशिश करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है खुद के एफर्ट्स, आपके खुद के एफर्ट्स ज़रूरी है, क्योंकि ये फैलता ही हाथों से है। सो इसलिए हैंड वॉशिंग जो सबसे छोटी चीज़ है या आज सबसे बड़ा बचाव है, क्योंकि एक बार कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस अंदर जाके ख़राब कर दे, ऑब्वियसली चीज़ें याद रखिए, जितने लोगों के अंदर जाएगा सब में डेंजरस बीमारी नहीं होती है, मुश्किल से 15-20% लोग डेंजरसली बीमार होते हैं, बाकी 80% लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है। तो ऑब्वियसली अपनी हेल्थ, अपने इम्यूनिटी को असेस करें, एक बैलेंस डाइट खाएं, लेकिन अंदर आने से रोकने के लिए आपको हाथ धोने होंगे, हाथ अच्छे से धोएं। यहाँ पर सवाल ये नहीं कि सिर्फ हाथ धो लिया पानी के नीचे, यहाँ साबुन और पानी से कम 20 सेकंड के लिए आप हाथ धोएं, या फिर एक अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर जिसमें एटलीस्ट 60% अल्कोहल है उसको लें, अगर साबुन पानी अवेलेबल नहीं है। हाथ धोना सबसे सर्वोपरि है आज के डेट में, खासकर अगर आप एयरपोर्ट या चाइना के किसी आसपास के इलाके या जहां पर ये फैल रहा है उस इलाके में है, तो हाथ इज इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आज से अपनी आदत सुधारो। आदत सुधारो का मतलब है नाक, आंख, मुंह, इन चीजों को हाथ नहीं लगाना, अपने चेहरे को हाथ नहीं लगाना, जाएगा यहीं से जाएगा, इसलिए आंख, नाक, मुंह को हाथ लगाने की आदत छोड़ दो। ये आज भी काम आएगी, ये कल भी काम आएगी, ये कोल्ड से बचाएगी, ये इससे भी बचाएगी। सो ये आदत डालने में तो कोई मुश्किल नहीं है। लेट्स जस्ट लुक इनटू आवरसेल्फ, कितना हाथ लगाते हो, क्या दिक्कत है उसमें, है ना? और अगर पता है किसी को कोरोना वायरस या एक्चुअल सर्दी खांसी हो रही है तो उससे थोड़ा दूर रहने में फायदा है, मास्क पहन लेने में फायदा है। अगर खुद बीमार हो तो घर में रहिए, फैलाइए मत। खांसी है तो मुंह को या छींक को टिश्यू पेपर से कवर करके टिश्यू फेंक दीजिए, टिश्यू नहीं है तो हाथ से कवर करके हाथ पोछिए, नहीं हाथ से करके हाथ धोइए जैसा बताया वैसे, और अगर कुछ नहीं है तो एल्बो में छींकिए जहां पर कॉन्टैक्ट कम होगा, दैट इज देयर। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके जितने भी जगहों को अगर आपने टच किया, अगर आपको है तो उसको डिसइंफेक्ट करते रहिए, ये इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन है। अगर आपको हो गया, खुदा ना खास्ता किसी को नोवेल कोरोना वायरस 2019 NCOV जिसका नाम दिया गया है, अगर वो हो जाता है किसी को, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो ट्रीटमेंट ही आपका IV फ्लूइड्स है, खूब सारा पानी उसका ट्रीटमेंट है, वायरल इन्फेक्शन है, आपकी खुद की इम्यून सिस्टम उसको मारेगी। सो रेस्ट इज मस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्ट। और सिर्फ कुछ 15-20% केसेस में जहां पे बीमारी बढ़ जाती है उनको हॉस्पिटल के अंदर स्पेशल केयर की जरूरत पड़ जाती है, जैसे कि वाइटल्स, ऑर्गन सपोर्ट, रेस्पिरेशन, उसके हिसाब से। तो आपको अगर दिक्कत लग रही है तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ा सवाल है व्हाट टू डू इफ यू आर सिक। ऐसे में 3-4 कैटेगरी के लोग हैं। एक तो वो जो एक्चुअली चाइना से आए हैं, अगर आप चाइना से रिसेंटली आए हैं और चाइना में थे आखिरी कुछ 14-15 दिनों में या इस दौरान, और आपको फीवर, कफ, ब्रीदिंग डिफिकल्टी लग रही है, तो तुरंत जाके मेडिकल
हेल्प लीजिए, और बिफोर यू गो टू अ डॉक्टर आपने पहले उनको कॉल करके अपने सिम्टम्स और ये बता दीजिए ताकि वो प्रिपेयर्ड रहे। और मास्क पहनिए, हो सके तो हाथ को जैसे मैंने कहा धो धा के अपने घर वालों को जितना हो सके यानी हाथ वाथ नहीं लगाना है और जाइए। मेन चीज है प्रिकॉशन इज बेटर, राइट? क्यों हम किसी और को दें, है ना, ऐसी बीमारी जो एक्चुअली 80-20% केसेस में जानलेवा हो सकती है, सो व्हाई नॉट। फिर उसके बाद अगर ऑलरेडी जा चुके हैं, चाइना से आ चुके हैं, तो और दूसरी तीसरी जगह ना जाएं। चाइना में गए नहीं हो तो मत जाओ, जरूरी नहीं है तो, जरूरी है तो फिर ये सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, मास्क पहनना है, ग्लव पहनी है, जो भी पहनना पहनी है, ऑलरेडी ठंड है कोई दिक्कत नहीं, कवर योर माउथ एंड नोज विद टिश्यू जैसा हमने बताया, ये सारा चीज आपको करना है, हैंड वॉशिंग आपको करनी है बहुत जरूरी। और अगर स्प्रेड को रोकना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने लोगों के, जैसे जितने भी लोग हैं घर पे रहिए, स्टे एट होम एंड सीक मेडिकल केयर। दूसरी चीज अपने घर पे एक डिफरेंट रूम में रहो, जो कि आप सेपरेट बाथरूम यूज करो अगर अवेलेबल है तो, कुछ दिनों के लिए जब तक क्लियर नहीं हो जाता। कई बार ये सिंपल कोरोना वायरस छोड़ो कॉमन कोल्ड का वायरस हो सकता है, तो 4 दिनों में बेहतर फील होने लगेगा, हफ्ते भर में। इवन इफ अगर ये नोवेल कोरोना वायरस है, मान भी लो है, तो भी 80% केसेस में हफ्ते भर में ठीक हो जाएगा। 80% केसेस में क्या चाहिए, खूब सारा पानी, खूब सारा आराम, खूब सारे फ्रूट्स, बढ़िया आराम से खाइए, अपना विटामिन्स खाइए बढ़िया से, दैट इज व्हाट यू नीड, राइट? और फेस मास्क पहनिए, किसी विजिटर विजिटर को से दूर रहिए, डॉक्टर आ रहा है डॉक्टर के पास रहिए, डॉक्टर के पास जाइए, उतना आपने करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है घर के किसी सामान को ज़्यादा, हाउस होल्ड आइटम्स को, ड्रिंकिंग ग्लासेस से कोई भी चीज़ जो आप हैंडल कर रहे हैं उसको सेपरेट रख लीजिए। यहाँ सिर्फ प्रिवेंशन हो रहा है, यहाँ कोई छूत अछूत की बीमारी नहीं है, ये सिर्फ फैल सकती है, ये चीज़ कॉमन कोल्ड की भी हो सकती है सिंपल, लेकिन एक कुछ दिनों के लिए प्रिकॉशंस लेने में कोई नुकसान नहीं है, समझिए। ये मुश्किल से कुछ हफ्तों की बात है, उसके बाद ये जो आ रहा है ये चीज खत्म हो जाएगी, सो अभी फिलहाल प्रिकॉशंस ले लीजिए, खासकर अगर आपको सर्दी खांसी है तो। और अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करिए, अगर आपके सिम्टम्स, अगर आपको सांस में दिक्कत हो रही है, वर्सन हो रही है, अगर आपकी सांस में दिक्कत वर्सन हो रही है तो बिना देर करे डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाके भर्ती हो जाइए, इट्स बेटर टू बी देयर इन द हॉस्पिटल, राइट? और यहाँ तक के एनिमल या पेट्स, जानवरों से भी आपको दूर रहना है ऐसे सिचुएशंस में, क्लोज कॉन्टैक्ट्स में जानवरों को भी आप फैला सकते हो, रिमेंबर दिस, राइट? सो दिस इज देयर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको समझना है अबाउट कोरोना वायरस। याद रखिए कोरोना वायरस का बेसिक वायरस है, तो वायरस के खिलाफ कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता, याद रखिए। तो अभी फिलहाल इसका कोई वैक्सीन भी नहीं है, अभी फिलहाल इसके लिए सपोर्टिव केयर, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, और आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाला ट्रीटमेंट है, इसीलिए अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर ध्यान दीजिए। अभी से चेक करिए कि क्या आपके अंदर ऑलरेडी कोई बीमारी है, एक हेल्थ चेकअप कर लो, नहीं किया है तो करा लो, हेल्थ चेकअप कर लीजिए। माइनर से माइनर चीज, आयरन की कमी, विटामिन डी की कमी, B12 की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी आपको रिस्क में डाल देगी, कि वे छोटी मोटी बीमारी भी ज्यादा इफेक्ट करेगी, सो नहीं इसमें स्ट्रेस लेना। याद रखिए ये बहुत अलग नहीं है कॉमन कोल्ड से, एक कॉमन कोल्ड या फ्लू वायरस से बहुत अलग नहीं है, बस इतना है कि अभी हमें इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता है, अभी हमें इसके डेंजरस एस्पेक्ट्स नहीं पता है। तो पुरानी दो डेंजरस बीमारियां जो बीच बीच में आई थी, SARS और MERS, उससे कंपेयर करने के लिए लोगों ने इसमें प्रिकॉशनरी इतने सारे प्रिवेंटिव मेजर लिए। एक्यूट SARS यह आया था, ये भी कॉमन कोल्ड वायरस का ही वर्जन है, एक दूसरा रेजिस्टेंट वर्जन, जो म्यूटेटेड वर्जन, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस। और एक MERS आया था, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस। ये दोनों बीमारियां, MERS तो अभी भी बीच बीच में मिडल ईस्ट एरियाज में चल रहा है, SARS अभी बंद हो गया या नहीं आ रहा, सो ये भी चीज साबित करती है कि यही वायरस या इसके कोई ना कोई फैमिली के वायरस म्यूटेट हो जाते हैं और म्यूटेट होके आगे फैलते हैं। तो वायरस अल्टीमेटली आपके ही थ्रू, आपके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल रहे हैं, सो प्रिवेंशन इज द बेस्ट थिंग हियर, प्रिवेंशन इज क्योर हियर। और अभी से दो तरीके का प्रिवेंशन है, एक तो वायरस को अंदर मत आने दो, राइट? सो दूर रहिए सर्दी खांसी से, हो रही है तो दूसरों से, और दूसरा खुद की इम्यून सिस्टम को टिटोलो,
मोटे तो नहीं हो, पर पतले तो 2 दिन में नहीं हो जाओगे, लेकिन एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो, अच्छी डाइट शुरू कर सकते हो, अनहेल्दी खाना छोड़ सकते हो, स्मोकिंग छोड़ सकते हो, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करने की कोशिश कर सकते हो, नहीं कर सकते? बहुत सारे वीडियोस हैं, हमारा भी वीडियो है इम्यूनिटी को स्ट्रांग कैसे करना है, उसको देखो, उसमें ध्यान दो और अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करो, राइट? कोई बात नहीं, इसका कोई नुकसान तो है नहीं, है कि नहीं? सो डू दिस एंड शेयर दिस पॉइंट्स, शेयर दिस वीडियो टू एवरी सिंगल ग्रुप ऑफ योर सोशल मीडिया, एवरीवेयर। भाई होगी होगी, नहीं होगी नहीं होगी, किसी का भला हो जाएगा, याद रखिए। तो दिस इज डॉक्टर परमजीत, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी।